बोलिए आप। यही काम करते रहो, यही आपकी नौकरी है, यही आपकी नौकरी है, यही ना ना, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए नवल जी, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपके नेता ने बोला, आपके नेता ने बोला मैसेज अच्छा जाएगा, मनोज झा को वहां बुलाया, मनोज झा वैसे तो बड़ी डींगे हाँकते हैं कि दलितों का सम्मान होना चाहिए, मैसेज अच्छा देने की बात कर रहे थे आप लोग, वहां पर रंगे हाथों पकड़े गए, तो फिर आप कह रहे हो कि अपनी नौकरी करो। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो देश के लिए घातक है, वो देश के लिए खतरनाक है, और देश में जो खतरनाक गिद्ध है ना, उनको अमीश देवगन चुन चुन के पकड़ता है। पकड़ लिया मैंने आपको, रंगे हाथों पकड़ लिया। आप जो सेटिंग कर रहे थे ना, आप जो सेटिंग कर रहे थे, वो पकड़ी गई है। कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन में सैनिक हुआ, कोई मतलब नहीं है आपको, प्रवासियों को मारने मारने दिया, उस पर कोई मतलब नहीं है आपको। आप केवल झूठ मोटा न्यूज फैला के अपना अपना काम चलाते रहो, यही आपके चैनल और आपका काम है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वहाँ पर एक दलित नेता की भी हत्या हुई है बिहार के अंदर, उसके नाम पर मौन क्यों नहीं रखा आपने? क्यों नहीं रखा मौन आपने? यहाँ पर हाथरस में दलित का परिवार है, बिहार में मैसेज अच्छा जाएगा, रंगे हाथों पकड़े गए। काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपने जो काम किया वो देश के सामने है, देश की जनता देख रही है ये वीडियो। ट्वीट करें, ये वीडियो ट्वीट करें और सच्चाई बताएं, कौन इस देश में खेल खेलता है, सामने आना चाहिए। मैसेज अच्छा जाएगा, दलित के नाम पर झूठी संवेदना, मैसेज अच्छा जाएगा वोट लेने के लिए। दलित मुस्लिम खेलेंगे तो जीत जाएंगे चुनाव। पोल पट्टी खुल गई पूरी, पोल पट्टी खुल गई पूरी। उसमें नीतीश कुमार के मंत्री शामिल थे। आपने सवाल पूछा है, आपने पूछा है कि सीजन में अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आप इसी तरह का घटिया न्यूज चलाते रहिए। नहीं नहीं घटिया नहीं, मुझे पता है आपको ये न्यूज घटिया लगेगा, आपके नेता की पोल खुल रही है आपको न्यूज घटिया लगेगा, लेकिन लेकिन जो बिहार के अंदर उत्पीड़न हुआ था सबसे ज्यादा ये हमारे चैनल ने कार्यक्रम करे थे, तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाथरस पे भी हमने सबसे ज्यादा कार्यक्रम करे हैं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मंशा थी इसके पीछे? अरे आपको आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं। मैं संगीत रागी का रुख करता हूँ काफी देर।